दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से जरूर दबाइए। दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को एक शानदार गेंदबाज मानते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जसप्रीत बुमराह इस समय भारतीय टीम के सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज हैं। अभी तक उन्होंने हर मैच में जिस तरह की गेंदबाजी की है उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी दुनिया में वो सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं। और यही कारण है कि इस समय ICC वनडे रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह पहले नंबर पर मौजूद हैं। बुमराह ने हर टूर्नामेंट में काफी शानदार गेंदबाजी की है, चाहे वो IPL हो या फिर वर्ल्ड कप। और दोस्तों, आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि बुमराह ही वो एकमात्र गेंदबाज हैं जिन्हें वर्ल्ड कप 2019 के पूरे टूर्नामेंट में मात्र एक छक्का ही लग पाया। यानी कि पूरे वर्ल्ड कप में बुमराह ने 50 से ज्यादा ओवर डाले हैं और उसमें उन्हें मात्र एक छक्का ही लगा पाया है कोई बल्लेबाज। अब दोस्तों, हम आपको एक ऐसा गेंदबाज बताने जा रहे हैं जो आगे चलकर बुमराह से भी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी कर सकता है। उसने अपनी तेज गेंदबाजी से दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला है। जी हाँ दोस्तों, और उस खिलाड़ी का नाम है कमलेश नागरकोटी। आपको बता दें, नागरकोटी अभी मात्र 19 साल के हैं और इतनी कम उम्र में ही इन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। 2016 में इन्होंने राजस्थान की तरफ से खेलते हुए विजय हजारे ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया था और उसके दूसरे ही मैच में गुजरात के खिलाफ हैट्रिक लेकर उन्होंने सभी को ये बताया कि वो कोई आम गेंदबाज नहीं है। इसके बाद तो नागरकोटी ने जैसे कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और 2018 के U19 वर्ल्ड कप में भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को उन्होंने वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी जिताई। आपको बता दें, U19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट कमलेश नागरकोटी ने ही लिए और टूर्नामेंट में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक गेंद 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से डाली थी, जिसे देखकर बड़े बड़े दिग्गज भी काफी हैरान रह गए। जी हाँ, क्योंकि मात्र 19 साल की उम्र में ही नागरकोटी लगातार 145 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंद डाल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो उन्होंने एक गेंद 150 की स्पीड से भी डालते हुए पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। दोस्तों, नागरकोटी के इस बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए 2018 के IPL में उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 करोड़ रुपए में खरीद लिया, लेकिन अफसोस, चोटिल होने की वजह से वो एक भी मैच नहीं खेल पाए। इसके बाद दोस्तों, डोमेस्टिक मैचों में नागरकोटी शानदार प्रदर्शन करते गए, जिसके बाद 2019 के IPL में भी उन्हें KKR ने रिटेन किया। हालांकि दोस्तों, उनका दुर्भाग्य ये रहा कि उस समय भी वो इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से 2019 का IPL भी वो पूरी तरह से नहीं खेल पाए। दोस्तों, नागरकोटी अभी काफी युवा हैं, तो ऐसे में अगर वो और भी बेहतरीन प्रदर्शन करते गए और अपनी तेज गेंदबाजी से सभी को चौंकाते गए तो जल्द ही हमें वो भारतीय टीम में भी खेलते हुए दिखाई देंगे। इनके नाम एक बड़ा रिकॉर्ड भी है कि मात्र 19 साल की उम्र में ही सबसे तेज गेंद डालने वाले ये दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर नागरकोटी ऐसा ही प्रदर्शन करते गए तो क्या उन्हें भारतीय टीम में एक मौका मिलना चाहिए या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अभी इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से जरूर दबाइए, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, हंसते रहिए।